नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 1 बजे के बाद मऊ के लिए हुए रवाना। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। कहा, संकल्प को सिद्धि में बदल रहा है आज का नया भारत। पराजय को कभी स्वीकार नहीं किया है भारत ने। प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारकर धान के खेत में फेंक देने वाली कलयुगी पत्नी गुंजा व प्रेमी आमिर उर्फ गोलू को गलेरिया थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही महिला को 3 अभियुक्तों ने अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर किया गैंग रेप। दुष्कर्मियों के चंगुल से छूटने के बाद महिला ने जीआरपी थाने पर दी सूचना। महिला को मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। एसपी रेलवे ने कहा, तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत। गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है टीमें, जल्द होंगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। जेम्स एंड ज्वेल्स और दुनिया के नायाब हीरो की बिक्री के मशहूर डी बियर्स फॉर एवर मार्क ने मिलाया हाथ। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने ब्रांड को किया लॉन्च। कहा, हर हीरे की है यूनिक आईडी, हीरा तो है ही हीरा। दो सातिर वाहन चोरों सोनू उर्फ कमलेश पांडे व भोला मौर्य को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तात्विक विवेचन करते हुए कथा व्यास ने कहा, श्री राम जी का चरित्र विस्तृत है करोड़ों रामायण के बराबर। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भक्त मुझे मानता है उसे मैं भी मानता हूँ उतना ही। गोरखपुर जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने किया शुभारंभ। चरगावा फुटबॉल क्लब ने सेंट जूड्स स्कूल को 2-0 से किया पराजित। कहा, खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता है खेल। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया, जिसमें एक एक फरियादियों की मुख्यमंत्री ने फरियाद सुनी तथा समस्याओं के निस्तारण के लिए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने गायों को अपने हाथों से चारा खिलाया। लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री मऊ के लिए रवाना हो गए।
मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, वह देश अपनी आजादी के 75 सालों में उसी ब्रिटेन को पछाड़कर आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि आज का नया भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है। यह भारत के वर्तमान यशस्वी नेतृत्व की सफलता का भी उदाहरण है। सीएम योगी गुरुवार को युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार लगा कि स्वाधीनता दिवस का पर्व सिर्फ सरकारी आयोजन नहीं है, बल्कि इसमें जन जन की भागीदारी है। सभी भारतवासियों ने हर घर तिरंगा फहराया, इसमें संपूर्ण देश की सहभागिता रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश को आजादी अचानक नहीं मिली, इसके लिए अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। भारत उन चंद देशों में से एक है जिसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया, बल्कि निरंतर लड़ता रहा। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष लगातार देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। उस दौर में देश एकजुट होकर लड़ा होता तो मुगलों के चक्के उसी कालखंड में छुड़ा दिए होते और उसके बाद पराधीनता नहीं मिलती। सीएम योगी ने कहा कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में देश एकजुट होकर लड़ा था। बैरकपुर में मंगल पांडे, गोरखपुर में बंधु सिंह, मेरठ में धन सिंह कोतवाल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिठूर में तात्या टोपे ने आजादी की लड़ाई की मसाल जलाई। देश का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुंकार ना भरी हो। पहली बार लगा था कि भारत दासता से मुक्त हो जाएगा, तभी से क्रांति की ज्वाला बुझने नहीं पाई। 1922 में ऐतिहासिक चौरी चौरा जनाक्रोश हुआ। लखनऊ में काकोरी की घटना में कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। अनगिनत बलिदान से अंततः 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वाधीनता दिवस पर बताए गए पंच प्रणों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि हम लक्षित संकल्पों से जुड़कर अपने अपने क्षेत्र के दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने कहा कि चाहे वह छात्र हो, शिक्षक, किसान, उद्यमी, व्यापारी या समाज का कोई भी तबका, सबके मन में देश प्रथम का भाव होना चाहिए। हमें अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करना होगा। पंचायतों और निकायों को हर एक कार्य के लिए सरकार पर निर्भर रहने की बजाय राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना होगा। पीएम मोदी के पंच प्रण किसी व्यक्ति, मजहब, धर्म या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि देश की 135 करोड़ जनता के लिए मिलकर काम करने का मंत्र है। सीएम योगी ने कहा कि देश की आजादी के बाद दुनिया को लगा था कि भारत लंबा नहीं चल पाएगा, पर इन 75 वर्षों में अलग अलग बोली, भाषा, खान पान के बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा द्वारिका से बंगाल तक पूरे देश में एक समान राष्ट्रीय भाव भंगिमा दिखती है। हमें और आगे बढ़ने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जगाना होगा और इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। यदि हमें भारत को विकसित बनाना है तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। ऐसा करके ही हम आज़ादी के शताब्दी महोत्सव में यह कहने की स्थिति में होंगे कि हमारा देश विकसित और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इतिहास को विस्तृत कर उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। विकास केवल बोल देने से नहीं होगा, बल्कि इसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। इतिहास, ज्ञान, विज्ञान के समन्वय से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और गुमनाम रह गए, उन्हें ढूंढना और उनके जरिए वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने का दायित्व शिक्षण संस्थाओं को उठाना होगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों से जुड़कर शिक्षण संस्थान खुद को आदर्श केंद्र बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाएं पाठ्यक्रमों के साथ सरकार की योजनाओं की गहरी जानकारी रखें
ताकि अध्ययन के बाद छात्र को कहीं भटकना ना पड़े। योजनाओं की जानकारी से छात्र अध्ययन के साथ ही अपने आगामी लक्ष्य को तय कर सकेगा और लक्षित संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महंत द्वय आजीवन राष्ट्र निर्माण की संकल्पना से जुड़े रहे। महंत द्वय के नेतृत्व में गोरक्षपीठ के एक एक कार्य समाज एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, छुआछूत उन्मूलन, गोरक्षा से लेकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गोरक्षपीठ ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। आचार्य द्वय ने सदैव राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन किया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने कहा कि 1947 में देश के आज़ाद होने पर ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि भारत बिखर जाएगा, लेकिन आज़ादी के 75 सालों में भारत बिखरा नहीं बल्कि निखर गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को राष्ट्र जागरण का उत्सव बताते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। किसी भी वैश्विक नीति के निर्धारण में भारत की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वस्तुतः भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। इसी परिकल्पना के अनुरूप गोरक्षपीठाधीश्वरों की परंपरा रही है कि वह धर्म, संस्कृति व राष्ट्रीयता पर होने वाले आक्षेप का प्रतिघात करते हुए नेतृत्व करते रहे हैं। सम्मेलन में विषय की प्रस्ताविकी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने प्रस्तुत की। इस अवसर पर जगत गुरु स्वामी श्रीधराचार्य अयोध्या से आए प्रशांत शुक्ला ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में महंत शेरनाथ, महंत शिवनाथ, ब्रह्मचारी रासलाल, महंत गंगादास, राम मिलन दास, महंत रामनाथ, महंत राजूदास, महंत मिथिलेश नाथ, महंत रविन्द्र दास, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गोरक्षपीठाधिपतिं स्मरामि इमां प्रसूनाष्टपदां हिमालयं श्री चरणेऽर्पयामि पुनः अस्मि पुनः पुनः साञ्जलिरानतोऽस्मि। परदानेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, ऐसी भारतीय संस्कृति, ऐसा भारत जिसका अर्थ ही है प्रकाश की ओर, ज्ञान की यात्रा में भी। शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता। गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महापुरुषत्वे के पावन स्मृति में इतना सुंदर विषय है आजादी अमृत महामहोत्सव का, जिस पर मंचस्थ हमारे गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत पूज्य महाराज श्री एवं मंचस्थ विराजमान पूज्य संत, विशिष्ट महान भाव, प्यारे बच्चों, विशिष्ट सुबुद्ध जन, वास्तव में आज़ादी अमृत महामहोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, संपूर्ण भारत देश में मनाया जा रहा है। किस चीज से आज़ादी हम सबको प्राप्त हुई, किस रूप में हम आज आजाद हुए और कितने आगे बढ़े, ये सोचनीय विषय है।
एक समय वही था जो आज से 75 वर्ष पहले कितने कितने वर्षों तक हमारे भारत देश को लोगों ने पराधीन किया। हम पराधीन क्यों हुए? हमारा देश पराधीन क्यों हुआ? हमारे में शक्ति सामर्थ्य की कमी नहीं थी। आपस में आक्रांताओं ने हम लोगों को आपस में विभाजित किया, जाति पाति धर्म में विभाजित किया और आपस में लड़ाया और स्वयं हमारे देश पर राज्य किए। नालंदा विश्वविद्यालय को लोगों ने जलाया। कोई कमी नहीं हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में। आज विदेश के लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं, इसलिए युवा पीढ़ी को हमें अपने संस्कृति संस्कारों में पलना चाहिए और अपने संस्कृति पर, अपने भारतीयता पर, अपने हिंदू धर्म पर, अपने राष्ट्र पर बिल्कुल स्वाभिमान रखना चाहिए और सबको एकजुट होकर के अपनी भारत माता और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। आजादी महामहोत्सव, अमृत महोत्सव के लिए हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए और इसके लिए सबको बधाई भी हम प्रदान करते हैं। अपनी वाणी को ही विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज से। और अब फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, फिजा में चांद सितारे हजार उगते हैं, कभी कभी ही निकलता है आफ्ताब कोई। ऐसे हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, भारतीयता और भारतीय संस्कृति के चमकते हुए सूर्य एक भारत श्रेष्ठ भारत समर्थ भारत सशक्त भारत के निर्माण में, भारतीय संकल्पना में, भारत के विश्वगुरु बनाने की संकल्पना को सिद्धि तक पहुंचाने में जिस व्यक्तित्व का सर्वाधिक योगदान भारत के भविष्य में होने जा रहा है, ऐसे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आज के उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए पूज्य महाराज से। साप्ताहिक पुण्य तिथि कार्यक्रम आज के संगोष्ठी में मंच पर विराजमान जगतगुरु रामानुजाचार्य है, स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शेरनाथ जी महाराज, सिद्ध गुफा सवांग आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दासलाल जी, वडोदरा गुजरात से पधारे श्री महंत गंगादास जी महाराज, अयोध्या से पधारे श्री महंत राममिलन दास जी महाराज, मोहाली पंजाब से पधारे श्री महंत रामनाथ जी महाराज, महंत राजीव दास जी, महंत रविंद्र दास जी, महंत पंचानन पुरी जी, महंत मिथिलेश नाथ जी, आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तावना जिन्होंने रखी महाप्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, माना प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी संस्थाओं के प्राचार्य और आचार्यगण, प्यारे बच्चों,
पेशेवर से गोरख स्पीठ की ओर से अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम दो सत्रों में, पूर्वाह्न के सत्र में समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई उन ज्वलंत समस्याओं को लेकर के जो हमारे अतीत वर्तमान और भविष्य को प्रभावित किया है या प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने वाला है, उन सभी समसामयिक विषयों को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन होता है। तो अपराह्न के सत्र में यहां पर कथा प्रवचन का एक सुंदर आयोजन भी इस अवसर पर संपन्न होता है। आज साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह की समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम का है और आज की संगोष्ठी का जो विषय यहां पर आयोजन समिति की ओर से रखा गया हुआ था कि आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को पूरे देशवासियों ने सुना। हम सब भारतवासी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम सब अपने देश की आजादी के 75 वर्ष के इस समारोह में सहभागी बने, अलग अलग स्तर पर बने, स्कूल कॉलेजेस में हुए समारोह के माध्यम से बने होंगे, प्रभात फेरी के माध्यम से बने होंगे, स्वच्छता अभियान के माध्यम से बने होंगे और हर घर तिरंगा के माध्यम से ही बने होंगे। पहली बार लगा कि कोई राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि इसमें जन भागीदारी भी है और जन भागीदारी के माध्यम से आयोजन कैसे होते हैं इसका एक दृष्टांत आजादी के अमृत महोत्सव ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसकी प्रेरणा थी प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी कि आखिर आयोजन क्या सरकारी आयोजन न बने, आजादी किसको, क्या राजनीतिक आजादी नहीं मिली देश को, भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी मिली है और संपूर्ण आजादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए। वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलना है, इसका एक उदाहरण आप सबके सामने में देना चाहूंगा। वह है, अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है या भारत की भारत के यशस्वी नेतृत्व के पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को इस बारे में आह्वान भी किया कि देश को आजादी अचानक नहीं मिली, आजादी के लिए इस देश को अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े।
कार्यक्रम है, संभवतः भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने भले ही किन्हीं कारणों से उसे पराजय प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया, वो निरंतर उसके खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई चाहे वह पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई रही हो, चाहे वह महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो, वह लड़ाई चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की रही हो, लगातार देश की आजादी के लिए लड़ते रहे, केवल अपने राजे रजवाड़े की सुरक्षा के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए लड़ते रहे। लेकिन उस लड़ाई में जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान था, वहीं पर अगर किसी एक चीज की कहीं पर हम लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस लड़ाई को मेवाड़ से महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, अगर पूरा देश उस समय भी एकजुट होकर को इनके नेतृत्व में लड़ा होता, तो मुगलों के छक्के वहीं पर छुड़ा करके भारत को सदैव के लिए किसी प्राचीनता से मुक्त करने का कार्य उसी कालखंड में हो गया होता। जिस लड़ाई को छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार लड़ते रहे, अगर उनके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ा होता, तो आने वाले समय में इस देश में आसन्न गुलामी के संकट नहीं देखने को मिलते। जिस लड़ाई को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़ रहे थे, पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ उस समय लड़ा होता, तो संभवतः देश के सामने फिर यह प्राचीनता नहीं देखने को मिलती है। लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा था 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर में, पूरे देश के अंदर जगह जगह आजादी के लिए लोगों ने हुंकार भरी थी, कहीं बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं झांसी में ये लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ती है, कहीं बिठूर में क्या क्या टोपे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों में कोई जनपद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने उस समय हुंकार न भरी हो। और पहली बार लगा था कि भारत पराधीनता से मुक्त हो जाएगा। उस समय भले ही उस राष्ट्रीय एकता के सूत्र में उस प्रथम स्वातंत्र समर को पिरोने के लिए जो अभियान प्रारंभ हुआ था, वह ज्वाला कभी बुझने नहीं पाई, निरंतर चलती रही, और निरंतर चलती रही। कभी इसके बाद आपने देखा होगा चोरी चोरा में 1922 में चोरी चोरा की घटना होती, इतिहास प्रसिद्ध घटना, लखनऊ में पाकोरी की घटना होती है, पाकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अस्ताउल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लहड़ी और ऐसे उन क्रांतिकारियों को जगह जगह फांसियां दी गई, लेकिन देश की आजादी की लौ नहीं बुझी, वह निरंतर प्रज्वलित होती रही। ऐसे अनगिनत बलिदान हुए और उसका परिणाम था 15 अगस्त 1947 को अंततः यह देश स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भारत अपना संविधान भी बनाता है। आज भारत 75 वर्षों की आजादी के बाद की अपनी एक यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ा है।
और 75 वर्ष में ही हम लोगों ने ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था बनने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व तो क्या है। विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा? विकसित भारत के लिए केवल भारत को विकसित बोल देने से विकसित नहीं होना है, विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में है, विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है अपने स्वयं के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति, अगर वह अपने इन कर्तव्यों के बारे में जान जाए। एक शिक्षक स्कूल के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इस भाव के साथ कार्य करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें कार्य करना होगा। आत्मनिर्भर होगा कैसे? आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कैसे आप करेंगे? आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दूसरों पर आश्रित होकर के कोई आत्मनिर्भरता का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना होगा। अगर हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें इस दिशा में प्रयास करना होगा। अगर हमारे व्यापारिक संस्थान है उनको देखना चाहिए ऐसी कौन से प्रोडक्ट हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन पर हम विदेशों पर आश्रित होना कम से कम करें और स्वयं भी भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन शुरू कर दें। ऐसी कौन सी चीजें होंगी कि जिसके माध्यम से अगर हमारे पंचायतें देखेंगे, नगर निकाय देखेंगे, ये भी तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यों सरकार पर निर्भर रहे? हर कार्य के लिए सरकार के सामने हाथ क्यों फैलाते रहे? इन्हें भी तो अपने आय को वृद्धि करनी होगी, अपने राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना होगा, उन क्षेत्रों को टटोलना होगा जहां से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और गुलामी के अंश को कहीं भी हम फलने नहीं देंगे, विकसित नहीं होने देंगे, उसे बढ़ने नहीं देंगे। जब ये भाव होगा तो स्वाभाविक रूप से भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है, कोई नहीं रोक सकती है। 75 वर्षों की इस यात्रा को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने बड़े सकारात्मक भाव के साथ लिया है। लोगों के लिए कौतूहल आश्चर्य का विषय है, भारत जब आजाद हो रहा था तब दुनिया ने सोचा था कि भारत एक नहीं रह पाएगा। भारत आजादी का जश्न मना रहा था तब भी लोगों ने कहा कि भारत इस यात्रा को बहुत लंबी दूरी तक लेके नहीं चल पाएगा। 75 वर्ष हो गए, देश के अंदर बोली भाषा अलग अलग,
खान पान अलग से अलग अलग, रहन सहन सहन अलग अलग, सब कुछ अलग अलग, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के द्वारिकापुरी तक अगर भारत के अंदर राष्ट्रीयता का भाव देखना है तो एक भाव एक भंगिमा पूरे देश के अंदर पूरी दिखती है, तो यही भारत है। और यही भारत, इसी भारत के लिए देश के आजादी के उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिन्होंने अपनी आहुति दी, इसीलिए उन्होंने दी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सबको योगदान देना है, और वह भाव आज हम सबको जगाना होगा, आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है इसकी आवश्यकता, इसकी शुरुआत हमें अपने स्तर पर स्वयं करनी पड़ेगी। इसका भाव कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसके लिए हमें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, बल्कि इसकी शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी, अपने परिवार से करनी पड़ेगी, अपने स्कूल से, अपने ग्राम पंचायत से, अपने नगर निकाय से, अपने जनपद से करनी पड़ेगी। भारत को अगर विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के समय प्रयास करना होगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जब एक सभी कार्यक्रम चल रहे थे, हम लोगों ने उस समय एक बात कही थी, सभी स्कूल कॉलेजेस से कही थी कि हम लोग केवल इस कार्यक्रम को एक औपचारिक कार्यक्रम के रूप में न लें, हमारा दायित्व तो भी है। हम देखें आजादी की लड़ाई में एक लंबी फेरिस्त है जिन महापुरुषों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में वे लोग गुमनाम रह गए, उनका कहीं उल्लेख नहीं। आजादी के उन बंदों को कौन ढूंढेगा? स्कूल कॉलेजेस का दायित्व तो बनता था, जहां कॉलेज है, जहां स्कूल है, जहां महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उनका दायित्व तो बनता था। वे अपने छात्रों से, अपने आचार्यों को लगा करके वहां पर स्थानीय स्तर पर उस प्रकार के रिकॉर्ड को टटोले, टेप ढूंढें, लोक गाथाओं को देखें, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक मान्यताएं, वहां के खंडर, वहां के उस समय की बहुत सारी ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जो हमें आजादी की लड़ाई की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर देता है, हमें बता देता है ये खंडर क्यों है, क्योंकि ब्रिटिशर ने इसलिए तोड़ा था क्योंकि यहां से देश की आजादी की शुरुआत हुई थी। देश की आजादी के लिए, ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को खाड़ने के लिए कभी इस खंडर ने आवाज बुलंद की थी, लेकिन अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसे खंडर में बदल दिया। इस अगर वही डॉक्यूमेंट हमारी संस्थाएं एकत्र करके जनपद स्तर पर एकत्र करें, फिर राज्य सरकार के संज्ञान में इस बात को लेके आए, जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर के फिर वहां पर उन लोगों का नाम ढूंढे कि कौन कौन इस लड़ाई में थे, बहुत सारे लोगों के नाम आ सकते हैं जो आज भी गुमनाम है, उन नामों को सामने लेके आना, वर्तमान पीढ़ी के सामने उस आदर्श को सामने रखना, याद रखना इतिहास को विस्मृत करके हम उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इतिहास की गौरवशाली क्षणें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विकास केवल बोल देने से नहीं होने वाला, हर एक की अपनी भूमिका होगी, और उन सभी भूमिकाओं को एक साथ जोड़ करके जो हम कार्य करेंगे उसमें इतिहास भी होगा, सामाजिक अध्ययन भी होगा, आधुनिक तकनीक भी होगी, ज्ञान और विज्ञान का बेहतर समन्वय भी होगा। ये सभी एकजुट होकर के जब चलेंगे तब हम समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे,
और समग्र विकास की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की संकल्पना को सिद्धि में बदलने के लिए पंच प्राण के साथ जोड़ने का जो आह्वान किया, ये पंच प्राण किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के 135 करोड़ नागरिकों के लिए एक मंत्र बनकर के कार्य करने का है कि अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, आजादी का शताब्दी महोत्सव जो हम मनाएंगे तो 25 वर्षों के अमृत काल के एक समय सीमा हम सबको तय करनी होगी। स्कूल कॉलेजेस भी तय कर सकते हैं। सौभाग्य से हर शिक्षण संस्थान के लिए देश के अंदर आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्पों के साथ जुड़ते हुए हम अपने शिक्षण संस्थान को देश और दुनिया के उन आदर्श केंद्रों के रूप में स्थापित करने में क्या योगदान दे सकते हैं। समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग तबके के नागरिकों के द्वारा भी इस कार्य को किया जा सकता है। किसान अपने स्तर पर शोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। उद्यमी अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकता है। एक व्यापारी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। एक शिक्षक अपने तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है। एक सरकारी कर्मचारी अपने स्तर पर इसमें योगदान दे सकता है। समाज जीवन से जुड़ा हुआ हर तबके की भूमिका इसमें होगी और ये सभी लोग अगर मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो कोई कारण नहीं कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 वर्षों के एक अद्भुत कार्यकाल के साथ जब भारत की आजादी जुड़ रही होगी, तब हम उस समय की पीढ़ी को कहने की स्थिति में होंगे कि देखिए जब देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब भारत एक विकासशील देश था, आज जब देश अपनी शताब्दी महोत्सव आजादी का मना रहा है, भारत दुनिया की एक सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करते हुए दुनिया का एक विकसित देश है, यह कहने के लिए हमारे पास देश और दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए होगा, उस समय की पीढ़ी को देने के लिए होगा। उस समय की पीढ़ी के सामने मुंह छुपाने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर उस समय की पीढ़ी प्रश्न हमसे पूछेगी कि आखिर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आपका योगदान क्या है इसमें, तब हम कह सकेंगे कि जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तब हमारा देश विकासशील था, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ था। हमने भी इसमें अपने अपने क्षेत्र में यह योगदान किया है और मुझे लगता है यह भारत के अंदर संभव है। मैं देख रहा था हर घर तिरंगा में, हर घर में तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। हर व्यक्ति में घोल लगी थी कि मैं भी तिरंगा पहनाऊंगा अपने घर पर। यही तो है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का भाव। मेरे लिए मेरा देश सर्वोपरि है, यही भाव तो सर्वोपरि का भाव ही भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर पर पहनाने के लिए था। मैं सभी शिक्षण संस्थाओं से इस बारे में कहूंगा कि हम सब इस बात को जरूर ध्यान रखें कि शिक्षण संस्थाएं हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि वे अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ शासन की योजनाओं के बारे में भी बहुत गहरी जानकारी रखा करें। केंद्र और राज्य सरकारें या विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसे कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, और अगर उस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे, एक छात्र को फिर अपने अध्ययन को पूरा करने के बाद अपने रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वह भ्रम की स्थिति में नहीं रहेगा, वह तय कर सकता है
कि मैं इस समय अध्ययन कर रहा हूं, इस समय मेरे लक्ष्य ये है, लेकिन मेरे अध्ययन के कार्य पूरे होने में मैं अपना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री लेने के बाद मेरा रास्ता ये होगा और मुझे उसमें अपनी ये स्थिति प्राप्त करनी है। एक लक्ष्य के साथ कार्य करते हुए, लक्षित कार्य सिद्धि के लिए जब व्यक्ति कार्य प्रारंभ करता है, एक लक्षित संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तो निश्चित ही सिद्धि में बदलती ही दिखाई देती है। और यह कार्य हम सब आसानी से कर सकते हैं। आज की इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी के साथ जुड़ने के लिए माना प्रताप शिक्षा परिषद और सभी आयोजन समिति के पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आचार्य से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अयोध्यनाथ जी महाराज, जिन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी राष्ट्र निर्माण की संकल्पना के साथ जोड़ करके तय किया था, उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं था। एक एक कार्य आपने देखा होगा, गोरखपीठ से जुड़े हुए एक कार्य और धार्मिक पीठ है, नाथ संप्रदाय की पीठ थी, लेकिन लड़ाई किस रूप में आगे बढ़ती थी। राम जन्मभूमि आंदोलन की जब अगुवाई की बात आई तो गोरखपीठ बढ़ चढ़ करके सामने आया। छुआछूत उन्मूलन के लिए जब अभियान चलाने की बात सामने आई तो गोरखपीठ तब भी सामने आया, उसने तब भी कोई संकोच नहीं किया। गोरक्षा की बात आई तो गोरक्षा केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं, भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को कम खर्चे में अधिक उत्पादकता, किसान को आत्मनिर्भर बनाना, अन्नदाता किसान को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, गोरक्षा में गोरखपीठ आगे आई। स्वतंत्र भारत के अंदर भारत के नागरिक किस रूप में बनने चाहिए, गोरखपीठ शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने के लिए उस समय आगे आई। और यही नहीं, जब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी धर्मार्थ संस्थाओं का योगदान होना चाहिए, तो योग के साथ साथ आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के लिए भी केंद्र स्थापित करने के लिए गोरखपीठ आगे आई। समाज सेवा के विभिन्न संकल्पों के साथ जुड़ना है, वनवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने का कार्य हो या सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य, इन सभी में आचार्य द्वय ने सदैव पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लग करके अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन किया। आप उनकी पावन पुण्यतिथि के अवसर पर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 53वीं पुण्यतिथि है और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अयोध्यनाथ जी महाराज की 8वीं पुण्यतिथि का वर्ष है। यह स्वाभाविक रूप से उनके इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनका स्मरण और उनके द्वारा किए गए योगदान का स्मरण स्वाभाविक होता है। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री, आपके आशीर्वचन आपके मार्गदर्शन के साथ आज के प्रातःकालीन सत्र की सभा यही पूर्णता को प्राप्त करती है। सभी पूज्य संतजन, गच्छ पुनरागमनाय च, गच्छ पुनरागमनाय च, आप जाएं लेकिन पुनः पुनः इस सदन में आने के लिए जाएं, इस प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।
गुलेरिया थाने की पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली कलयुगी पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को मेडिकल कॉलेज गेट से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आमिर उर्फ गोलू पुत्र आयुब निवासी सरैया थाना गीडा जनपद गोरखपुर, दूसरा गुंजा देवी पत्नी स्वर्गीय राम सजन निषाद निवासी जमुनिया थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 4 सितंबर को ग्राम जमुनिया पोस्ट गुलेरिया बाजार थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के राम सजन निषाद की हत्या उसकी पत्नी गुंजा देवी के साजिश के तहत उसके प्रेमी गोलू उर्फ आमिर खां पुत्र अयूब खां निवासी सरिया पोस्ट छपिया थाना गीडा जनपद गोरखपुर ने उसके पति राम सजन को जान से मारकर हफीज नगर नहर के पास सड़क के किनारे धान के खेत में फेंक दिया था, जिसके संबंध में गुलेरिया थाने पर बाजीराव मध्य पुत्र स्वर्गीय त्रिलोकी निवासी ग्राम जमुनिया पोस्ट गुलेरिया ने तहरीर देकर थाना में मुकदमा पंजीकृत करवाया था, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, कांस्टेबल विवेक गौड़, दीपू प्रसाद, महिला कांस्टेबल कोमल सिंह, रंजना कुमारी शामिल रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, ये दिनांक 4/9/2022 को थाना गुलेरिया के ग्राम जमुनिया में एक शव प्राप्त हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद उसमें चोट पाई गई सिर में, उसकी जांच की गई, मुकदमा कायम करने के पश्चात विवेचना से पाया गया कि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमिका प्रेमी ने मिल करके उसकी हत्या की है। दोनों लोगों को आज गुलेरिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों लोग अपनी घटना को स्वीकार कर रहे हैं और पूरा विवरण बता रहे हैं कि पति इनका शराबी था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसकी हत्या करा दी। अभी तक प्रेम संबंधी वजह आ रहा है, इसका जो प्रेमी था उससे ये अपना विवाह करना चाह रही थी, उसके साथ रहना चाह रही थी। अभियुक्ता द्वारा तो ये सूचना दी गई कि उसके जेठ द्वारा हत्या की गई है, लेकिन जो विवेचना से तथ्य सामने आया तो उससे यही स्पष्ट हुआ कि अभियुक्ता द्वारा स्वयं उसकी पत्नी द्वारा और उसके प्रेमी द्वारा हत्या की गई। ये इसको इसके प्रेमी ने लात मार के गिरा दिया, उसके बाद फिर उसकी गर्दन पे पैर रख करके खड़ा रहा तो वहाँ पानी भरा हुआ था चूंकि, और वो शराब भी पिए था, तो इसी में उसकी मृत्यु हुई। हत्या के दौरान जो है जो अभियुक्त है गोलू, वो टेलीफोन से, ये मुस्लिम है गोलू उर्फ आमिर, तो ये फ़ोन से पूरी बात अपने प्रेमिका को बता रहा था, जो मृतक है उसकी पत्नी को बता रहा था। हाँ, पत्नी के द्वारा करवाई गई, पत्नी साजिश में शामिल है पूरी तरह से। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही युवती को अगवा कर 3 अभियुक्तों ने झाड़ियों में ले जाकर गैंग रेप किया। आपको बता दें कि बुधवार की रात्रि में युवती को 3 लड़कों ने पहले अगवा किया, फिर झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया, शोर मचाने पर पीट कर घायल कर दिया। लड़कों के चंगुल से छूटने के बाद लहूलुहान स्थिति में महिला जीआरपी थाने पहुंची। युवती ने घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी जीआरपी मौके पर पहुंच गए। महिला महाराजगंज जिले की रहने वाली है।
जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पति से विवाद होने के बाद वह एक सप्ताह पहले घर छोड़कर गोरखपुर आई थी। रहने का कोई ठिकाना ना होने पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आउटर और धर्मशाला बाजार पुल के बीच गुजारा कर रही थी। बुधवार की रात में 11 बजे युवती के पास 3 लड़के पहुंचे और अकेला पाकर छेड़छाड़ शुरू कर दिया। विरोध करने पर अगवा कर धर्मशाला बाजार सब्जी मंडी के रेलवे लाइन किनारे झाड़ी में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर मारने पीटने के बाद भाग गए, जिसके संबंध में एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में 3 इंस्पेक्टर को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस की मदद से जीआरपी और जिले की पुलिस आरोपितों के बारे में छानबीन कर रही है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, रात में एक महिला स्टेशन पर आई और उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया है, जिसके आधार पर उनको तत्काल मेडिकल हेल्प के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया और जो उनकी मौखिक सूचना थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग के अनावरण के लिए हमारी सर्विलांस टीम और सीओ साहब के नेतृत्व में 3 इंस्पेक्टर और लगाए गए हैं, जो शीघ्र घटनास्थल का घटना का अनावरण करने में हमारी टीम लगी हुई है और अनावरण किया जाएगा। अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी तो अभी मेडिकल के बाद जब वो स्वस्थ हो जाएंगी तो उनसे बयान लेकर के क्लियर किया जाएगा। अन्य पालुओं पर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब दो लोगों से तो बताया कि एक आदमी के साथ वो गई थी, दो और वहाँ पर थे। नहीं, कुछ नहीं बता पा रही हैं अभी। स्वस्थ हो जाएंगी तो बताएंगी। डॉक्टर ने अभी कहा कि इनसे ज़्यादा गहन पूछताछ न की जाए। ये महाराजगंज की हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 1 बजे के बाद मऊ के लिए हुए रवाना। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। कहा, संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है आज का नया भारत। पराजय को कभी स्वीकार नहीं किया है भारत ने। प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारकर धान के खेत में फेंक देने वाली कलयुगी पत्नी गुंजा व प्रेमी आमिर उर्फ गोलू को गलेरिया थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही महिला को 3 अभियुक्तों ने अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर किया गैंग रेप। दुष्कर्मियों के चंगुल से छूटने के बाद महिला ने जीआरपी थाने पर दी सूचना। महिला को मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। एसपी रेलवे ने कहा, तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत। गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है टीमें। जल्द होंगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स और दुनिया के नायाब हीरो की बिक्री की मशहूर डी बियर्स फॉर एवर मार्क ने मिलाया हाथ। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने ब्रांड को किया लॉन्च। कहा, हर हीरे की है यूनिक आईडी, हीरा तो है ही हीरा। दो सातिर वाहन चोरों सोनू उर्फ कमलेश पांडे व भोला मौर्य को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तात्विक विवेचन करते हुए कथा व्यास ने कहा, श्री राम जी का चरित्र विस्तृत है करोड़ों रामायण के बराबर। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भक्त मुझे मानता है उसे मैं भी मानता हूँ उतना ही। गोरखपुर
जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने किया शुभारंभ। चरगावा फुटबॉल क्लब ने सेंट जूड्स स्कूल को 2-0 से किया पराजित। कहा, खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता है खेल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एस्परा जेम्स एंजेलिस ने दुनिया के नायाब हीरो की बिक्री के लिए मशहूर डी बियर्स फॉर एवर मार्क से हाथ मिलाया, जिसको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने लॉन्च किया। डी बियर्स फॉर एवर मार्क के जनरल मैनेजर अमित प्रतिहारी ने कहा कि हीरो को दुनिया में सबसे सावधानी से चुने गए हैं और एस्परा जेम्स एंजेलिस अपनी पारदर्शिता, विश्वास और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यह गोरखपुर में लॉन्च करने के लिए हमें एस्परा जेम्स एंजेलिस के साथ हाथ मिलाकर गर्व महसूस हो रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने बताया कि जनपद में ब्रांड लॉन्च करने के लिए एस्परा जेम्स एंजेलिस और डी बियर्स फॉर एवर मार्क के साथ आना एक वास्तव में सम्मान की बात है। मुझे डी बियर्स फॉर एवर मार्क की ज्वेलरी पहनना एक स्पेशल फीलिंग दे रहा है। प्रत्येक डी बियर्स फॉर एवर मार्क हीरा एक यूनिक आईडी के साथ आता है। एस्परा के ग्राहकों के पास आने वाले त्योहारी सीजन में अपने विश्वसनीय ब्रांड से चुनने के लिए डायमंड ज्वेलरी की एक विस्तृत श्रृंखला होगी। इस अवसर पर एस्परा जेम्स एंजेलर्स के चेयरमैन अतुल सर्राफ, डायरेक्टर अनुप सर्राफ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एस्परा जेम्स एंजेलर्स के डायरेक्टर अनुप सर्राफ एवं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने कहा, and that is talking a lot about the, you know, how the total city is made up to. And in fact, pura itna acha feel, I think kafi barish bhi ho rahi hai, toh mausam bhi acha hai, sab mood bhi acha hai. And abhi Diwali aage hai, and the whole festivity is ahead. Welcome, sir. Thank you, and hamare sabhi media आयोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग फॉर दिस ब्यूटिफुल इवेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ टीवीएस फॉरएवर मार्क ज्वेलरी एट आवर स्टोर। और मैं अमित जी, जो जनरल मैनेजर हैं टीवीएस के इंडिया के, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टोर पे। और मैं बहुत ही आज गर्व और खुशी दोनों बहुत महसूस कर रहा हूँ इतने बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर के। और ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ में इनका बहुत सहयोग रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग भी बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं, वैसे भी डी बी एस ग्रुप बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो एक ये जेन्युइन, जिसको कहा जाए एक रेयर ब्यूटिफुल पीस और डायमंड, जिसको आप बोल सकते हैं, अब वो हमारे स्टोर पे उपलब्ध रहेगा। और ये बहुत ही एक अफोर्डेबल रेंज से स्टार्ट होता है, तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये बहुत ही अनअफोर्डेबल है या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट और एक रीजनेबल रेंज में उपलब्ध है। तो जो आदमी एक गोल्ड की ज्वेलरी सोच सकता है, उस रेंज से ये स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि DBS संसार की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है डायमंड की, जो कि डायमंड की माइनिंग कर रहा है। और दूसरी बात की एथिकल वे में माइनिंग करते हैं ये लोग, और एथिकल वे में और अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है। तो आप ये समझिए कि डायमंड, एक डायमंड को बनने में लाखों साल लगते हैं, उस लाखों साल में से अच्छे हीरे को चुनना और उसमें से 100 पीस में एक पीस को सेलेक्ट करना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और वो एक पीस होता है फॉर एवर मार्क। तो ये बहुत हमें गर्व है कि फॉर एवर मार्क हम लोग को रखने को मिला। और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ अमित जी को कि जिस विश्वास के साथ आपने हम लोग को जोड़ा है, आपके विश्वास पर हम लोग पूरी तरह सही करेंगे। और बहुत एथिकल वे में, बहुत जल्दी कस्टमर्स हम लोग इस अवेयरनेस को पहुँचाएंगे, न कि
केवल डायमंड देंगे, कस्टमर्स को अवेयर करेंगे कि वो एथिकल डायमंड लें और कहीं से भी लें तो एथिकल और नेचुरल डायमंड ही परचेज करें। With them being natural and pure, it symbolizes beauty. They are beautiful, they are rare, they are naturally sourced. And it is something that every woman would want to own and have a piece for themselves. Next, we'd like to ask you, as you know, De Beers focuses on ethical, sustainable practices to protect natural world. Can you share anything you do, both small little things like, saving water, making sure that, whether you brush or you shower, you don't waste water by doing that. Electricity, I'm big on electricity, and it's noise pollution, whether it's not honking so much on the roads, whether it's saving electricity and water, all of that. That's great. Hope our guests will learn a lot more from you. Moving forward, De Beers Forever Mark aims to create jewelries which symbolizes special moments in your life. Would like to know how you will style these jewelries. Okay, so I'm going to give you an occasion and you need to select which jewelry you would wear for each. So first of all, we'll be starting up brunch with friends. Brunch with friends. I go with a couple of rings, maybe these simple rings. Which are stunning, by the way. It's a beautiful choice. Rings, and if I was going, that's this one? Okay, this is also. So those two, yeah. Those two with like a nice dress for us. Jewelry design inspired by, that one ripple can have multiple impact. So it's celebrate the boldness, the beauty of the woman, and everything good what you bring into this earth and what we do good all about. So that's the we do every day. It contributes a lot into making, whether it's education, whether it's taking care of home, whether it's just having a point of view and having that freedom to choose responsibly. And this shows all those possibilities to me, for me. So I think I feel pretty confident wearing it on my neck. And like you said, it also shows like how one wave, one ripple can start a wave. Look at the table of the diamond. Her table pe Forever Mark ka icon hota hai. And उस आइकॉन में बेसिकली एक यूनिक नंबर विच इज देयर और हर हीरे में ये यूनिक है, कोई एक दो हीरा एक बराबर के नहीं हो सकते, तो एवरी डायमंड इज अ यूनिक डायमंड, सो ईच डायमंड विल हैव दैट यूनिक नंबर, दैट इज द एश्योरेंस फ्रॉम साइड 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 De Beers वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है और वर्ल्ड का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है हीरे का जितना भी है वो De Beers द्वारा होता है। इनकी एक ज्वेलरी है फॉरएवर मार्क के नाम से, जिन्होंने आज हमारे साथ मिल करके हमारे कोलैबोरेशन में गोरखपुर में लॉन्च किया है। ये सारी सर्टिफाइड ज्वेलरी है, हर एक हीरे के ऊपर, चाहे छोटा हीरा हो चाहे बड़ा हीरा हो, इनका एक यूनिक नंबर इंस्क्राइब किया हुआ रहता है और वही यूनिक नंबर इनके सर्टिफिकेट पर भी होता है। और दुनिया में जितने हीरे बनते हैं मात्र 1% ऐसा हीरा होता है जो कि इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिफाई करता है, जिस पे हीरे की कटिंग को और भी चीज़ों को इन लोगों जो इनके पैरामीटर्स हैं उस पे मात्र 1% हीरा ऐसा है जो कि फॉरएवर मार्क की क्वालिटी को मीट करता है। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमारे साथ भी अब टाई अप हुआ है और ये आभूषण अब हमारे यहाँ भी उपलब्ध होंगे ग्राहकों के लिए। जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स अभी तक मेट्रो शहरों में ही उपलब्ध होते थे और यहाँ के लोगों के लिए हर बार संभव नहीं था कि बाहर जा कर के ख़रीदारी करें। अब वही चीज़ जब
उसी गारंटी की हमारे यहाँ मिलने लगेगी, तो गोरखपुर वालों के लिए एक नया प्रोडक्ट उनके कलेक्शन में ऐड होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसके लिए शायद वो बाहर जा कर के ही खरीद सकते थे, अब गोरखपुर में भी उपलब्ध हो जाएगा। जी मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हीरा कभी ये ना सोचें कि बहुत महंगा या अनअफोर्डेबल है। आजकल जिस टेक्नोलॉजी से ज्वेलरी बनने लगी है और जिस प्रकार से हीरे की सेटिंग होने लगी है, आपको देखने में लगेगा नहीं कि ये हीरे की अंगूठी इतने कम दाम में भी मिल सकती है या हीरे का सामान इस रेंज में भी मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा, फॉरएवर मार्क मात्र 20,000 रुपये से स्टार्टिंग है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अनअफोर्डेबल रेंज है। आज सोने की भी छोटी सी अंगूठी आदमी लेने जाता है 3-4 ग्राम की, तो उसकी कीमत भी लगभग 15,000 से 20,000 हो जाती है। मैं पहले तो सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बोथ डिबियर्स फॉर एवर मार्क एंड ऐश्वर्या ज्वेलरी, कि वो दोनों साथ में आकर एक साथ मिलकर कुछ स्पेशली यहाँ आज गोरखपुर में अपने कस्टमर्स के लिए कुछ अलग लेकर आए हैं, कुछ बहुत सुंदर लेकर आए हैं। तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, और मुझे आई एम श्योर कि आगे जाके भी वो लोग सुंदर सुंदर ज्वेलरियाँ बनाएंगे और उनके कस्टमर्स बहुत खुश होंगे। तो 5 साल से 6 साल से वेट कर रही हूँ आई गेस इस फिल्म के आने का, और फाइनली कल रिलीज़ हो रही है। सबसे निवेदन करना चाहूँगी इनफैक्ट कि सब जाके देखें, बहुत ही मेहनत ब्लड एंड स्वेट से पिछले 5-6 सालों से बन रही है ये फिल्म लिटरली। सो कल फाइनली वो डे आ गया है, एंड फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी, ऑल एक्साइटेड, नर्वस, एवरीथिंग। जो मुझे एक्चुअली इन्होंने मुझे 3-4 ज्वेलरी दिखाई थी, उसमें से मुझे ये सबसे अच्छे लगे। मुझे इनकी एक बहुत अच्छी बात लगती है कि बहुत डेलिकेट है, तो चाहे आप यू नो आप उनको गाउन्स के साथ भी पहन सकते हैं, किसी फॉर्मल इवेंट के लिए पहन सकते हैं, नॉर्मल डे के लिए भी पहन सकते हैं। जैसे अगर मैं पहनना चाहूँ तो आई कैन टीम दिस अप विद समथिंग वेरी कैजुअल ऑल्सो, सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ब्रांड। सही गलत की बात नहीं है। और एक और बात, गोल्ड भी का गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है, क्या बात कर रहे हो आप। बट वही होता है कि आप जब गोल्ड या डायमंड खरीदते हैं तो किसी ओकेशन के लिए खरीदते हैं, आप रोज़ जाके ज्वेलरी नहीं खरीदते। तो जिस तरह से कलेक्ट करके लोग सोना खरीदते हैं, आई एम श्योर उसी तरह से डायमंड्स भी खरीद सकते हैं। एक देखिए प्रेफरेंस और पर्सनल चॉइस की भी बात होती है कि आपको क्या पसंद है ज़्यादा, गोल्ड या डायमंड। अब मेरे को पूछेंगे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे दोनों पसंद है। और यू नो ड्रेस के साथ या ओकेशन के साथ, जैसे अगर मैं किसी फैमिली वेडिंग पे जाऊंगी या यू नो होली दिवाली होगी, तो मुझे उसके लिए गोल्ड ज़्यादा पसंद है। और किसी और ओकेजन के लिए व्हेन आई हैव टू डू लाइक एन इवेंट और अ रेड कार्पेट, देन आई प्रेफर डायमंड्स। सो उसी तरह से सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस होती है। जब उनको किसी को अगर गोल्ड खरीदना होगा तो पक्का खरीदेंगे, किसी को जब डायमंड्स खरीदना होगा वो भी जाएंगे। डिबियस फॉरएवर मां। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को बिंदास ढाबा दाऊदपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सोनू उर्फ कमलेश पांडे निवासी सर्कुलर रोड मैत्रीपुरम बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा भोला मौर्य पुत्र रामवृक्ष मौर्य निवासी बिछिया पीएससी कैंप थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। 7 सितंबर को वादी अवनीश श्रीवास्तव द्वारा तहरीर दिया गया कि 27 अगस्त को मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, और वादी मुकदमा दीपू पांडे द्वारा 7 सितंबर को आर्यन हॉस्पिटल के गेट से अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने के संबंध में थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग नशे के आदी हैं, हम लोगों ने मिलकर हॉस्पिटल मॉल कोचिंग व स्कूल से वाहन चोरी करते हैं, इससे पहले भी हम लोग चोरी के मुकदमे में जेल जा चुके हैं।
गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं एवं राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत चल रहे श्री राम कथा के दूसरे दिन कथा व्यास असर्पी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने कहा कि श्री राम जी का चरित्र करोड़ों रामायण के बराबर विस्तृत है। रामायण का एक एक अक्षर महापातक को भी नाश करने वाला है। भगवान का चरित्र सभी कष्टों को दूर करके शांति व आनंद को पैदा करता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे मानता है मैं भी उसे ही मानता हूँ। भगवान की भक्ति से जब भक्त भव सागर से मुक्त होकर बैकुंठ में जाता है तो वहाँ परमात्मा से मुक्त जीवन के 9 गुण समान हो जाते हैं। भक्त का संबंध भगवान के साथ 9 प्रकार का होता है। भगवान के विवाह उत्सव को कल्याण उत्सव कहते हैं। भगवान स्वतंत्र होते हैं किंतु जब भगवती से उनका विवाह हो जाता है तो माँ भगवती सीता अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु को प्रेरित करती हैं। भक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी से बैकुंठ चलने को कहा तो हनुमान जी ने पूछा कि क्या वहाँ आपकी भक्ति करने को मिलेगी। राम जी ने कहा वहाँ तो तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, मैं और तुम एक हो जाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, मैं यहीं रहूँगा। इस प्रकार से भक्त का भाव देखकर भगवान पूछते हैं कि इस सांसारिक शरीर से तुम्हें इतना मोह क्यों है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मोह शरीर से नहीं है, मोह भक्ति से है, क्योंकि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। भला करो भगवान सबका भला करो भजन गाकर कथा व्यास ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सबका कल्याण कर सकते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह जो ईश्वर का कार्य अर्थात अच्छे कार्य हैं उसे करे, तभी भगवान पूर्ण रूप से कल्याण करेंगे। कथा व्यास ने कहा कि भगवान कहते हैं कि मेरे साथ अपराध करने वालों को मैं क्षमा कर सकता हूं, किंतु मेरे भक्तों के साथ यदि कोई अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा नहीं करता। रामायण में श्री जानकी जी का चरित्र प्राण के समान है। जानकी जी रामायण की प्राण है। करुणा भाव से निकले रामायण में माँ जानकी करुणा प्रतिमूर्ति के रूप में विद्यमान है, जो सभी जीवों को अपनी संतान मानकर कल्याण करती हैं और प्रभु श्री राम से भी सबका कल्याण करवाती हैं। भगवती सीता अपने करुणा के माध्यम से पशु पक्षियों तक में अपना अधिकार कर लेती हैं। आज लोग विवाह में दहेज के लिए बहु बेटियों को मार देते हैं। उपहार लेना या देना अनुचित नहीं, किंतु विवाह के बहाने अपने स्वार्थ पूर्ति करना अनुचित है। दहेज समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। कथा व्यास भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग कथा का वर्णन करते हुए कहा कि जहां बड़े बड़े योद्धा धनुष को हिला नहीं सके, वहीं भगवान श्री राम सहज ही धनुष को भंग कर देते हैं। धनुष यज्ञ के अंत में परशुराम जी का आगमन होता है। परशुराम जी ने प्रभु श्री राम को ललकारा कि यदि आप में सामर्थ्य हो तो मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए। भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाया और उनके अभिमान को शांत किया। परशुराम जी ने उनको पहचान लिया और सम्मान के साथ उनको आशीर्वाद दिया। माता पिता की सेवा करना मनुष्य का सामान्य धर्म है। यह सामान्य धर्म को सिखाने के लिए भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। विशेष धर्म के लिए भगवान लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। अपने संस्कार के प्रति भाव रखना विशेषतर धर्म है। इसके लिए भरत के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तथा विशेषतम धर्म को समाज को शिक्षा देने के लिए भगवान शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान के भक्त का भक्त विशेषतम धर्म का निर्वहन करता है। प्रभु की कृपा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। इस भजन के माध्यम से कथा व्यास ने प्रभु श्री राम के महिमा का गान किया। उन्होंने कहा कि प्रभु सब पर कृपा करते हैं, हमें अपने अंदर पात्रता लानी होगी ताकि प्रभु की विशेष कृपा हो सके। पात्रता लाने का सबसे सहज साधन भगवत भजन एवं कथा श्रवण है। कथा का प्रारंभ व्यास पीठ के पूजन से हुआ तथा समापन आरती एवं प्रसाद वितरण से हुआ। श्री राम कथा का संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। कथा में प्रमुख रूप से प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महंत मिथिलेश नाथ, कालीबाड़ी के महंत रविन्द्र दास, पंचाननपुरी, यजमानगढ़ विधायक महेंद्र पाल सिंह, सपत्निक अवधेश सिंह आदि उपस्थित रहे। गोरखपुर जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का शुभारंभ सेंटर ड्यूज कॉलेज के ग्राउंड पर मुख्य अतिथि सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल को किक करके किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में सेंटर ड्यूज स्कूल व चरगावा फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें चरगावा फुटबॉल क्लब
टॉस 0 से विजयी हुआ, जिसके संबंध में सीएमओ ने बताया कि फुटबॉल एक बहुत ही सुंदर खेल है। खेल खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता है। फुटबॉल का खेल 1863 में इंग्लैंड से शुरू हुआ था और धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता हासिल करते हुए धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी मैदान पर खेल को खेल की भावना से खेलें, हार जीत की भावना को देखें और जीतने की ललक रखें और आगे और जीतने का प्रयास करें। वहीं गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के सचिव हमजा खान ने बताया कि गोरखपुर फुटबॉल लीग उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से मान्यता प्राप्त है और उसी के तत्वावधान में 25 दिवसीय फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 21 टीम प्रतिभाग कर रही है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष उपेंद्र मणि त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष फखरुद्दीन अली, संयुक्त सचिव गौतम सरकार, सलाहकार प्रोफेसर जेवियर मारिया राज, आयोजन सचिव संजय सहनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के सचिव हमजा खान एवं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, हमजा खान, फुटबॉल सेक्रेटरी गोरखपुर। एक्चुअली गोरखपुर फुटबॉल लीग जो है ये उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से मान्यता प्राप्त संघ है और उसी के तत्वावधान में ये गोरखपुर की फुटबॉल लीग हो रही है, गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तहत, जिसमें 21 टीमें गोरखपुर की प्रतिभाग कर रही हैं और 21 टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहले ग्रुप ए में 6 टीमें हैं और बाकी 3 ग्रुपों में 5-5 टीमें हैं और ये टूर्नामेंट लीग आधार पे खेली जा रही है। तो ये चूँकि प्रीलिम स्टेज है तो कुल अभी 45 मैच होने हैं, रोज़ दो दो मैच होंगे, तो 30 तक ये मैचेस लीग आधार पे खेले जाएंगे। आज इसका शुभारंभ है। इसके पूर्व 2 बार तिथि निर्धारित की गई
एक 28 तारीख को पूर्व पिछले महीने और फिर एक तारीख को, तो वाटर लॉगिंग की वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा। आज इसको हम लोग इसका शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि CMO आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष दुबे जी थे। ये जनपद स्तरीय है और इसमें जो टीम चैंपियन होती है जनपद में वो स्टेट लीग खेलने जाती है अपने अपने जनपदों से। क्या कुछ प्राइज भी रखा गया है? ये इसमें इंडिविजुअल प्राइज होती है, कोई कैश प्राइज तो है नहीं है, और ये ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है, इसमें कोई कैश प्राइज का वो प्राविधान नहीं है। दे भी सकते हैं लेकिन फंड जनरेट होने पर। देखिए, फुटबॉल का मैच जो है एक बहुत ही सुंदर गेम है, हमारा रात गेम जो है इसमें इस तरह से खिलाड़ियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता है और विजय की ललक जलाता है, और जो कि हमें कहते हैं कि इस भारत के निर्माण में एक सबके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि हम इस मैच को जीत लें। तो जीवन का मैच जीतने के लिए या कहते हैं खेल का मैदान में मैच जीतने के लिए फुटबॉल से अच्छा कोई गेम नहीं हो सकता। फुटबॉल का जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अपने खेल जीवन में जानता था कि ये लगभग 1863 के आसपास इंग्लैंड से शुरू हुआ था और धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता हासिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया और पूरी दुनिया में इस समय ये खेला जाता है। और फुटबॉल से लोगों में प्रतिस्पर्धा जागती है, लोगों के अंदर विजय की भावना जागती है, जो एक किसी भी जीवंत व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए मैं इस खेल की प्रशंसा करता हूँ। सर, खेल के माध्यम से युवा में क्या संदेश देना चाहेंगे? खेल के भावना से यह है कि मैदान पर खेल को खेल की भावना से खेलें, हार जीत की भावना से मत देखें, प्रतिस्पर्धा रखें, जीतने की ललक रखें। अगर आपको विजय मिलती है तो आप आगे बढ़िए, और अगर पराजय होती है तो उस पर अपना पुनः विचार कीजिए और अगला मैच जीतने का प्रयास कीजिए। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 1 बजे के बाद मऊ के लिए हुए रवाना। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आठवीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। कहा, संकल्प को सिद्धि में बदल रहा है आज का नया भारत, पराजय को कभी स्वीकार नहीं किया है भारत ने। प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारकर धान के खेत में फेंक देने वाली कलयुगी पत्नी गुंजा व प्रेमी आमिर उर्फ गोलू को गलेरिया थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही महिला को 3 अभियुक्तों ने अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर किया गैंग रेप। दुष्कर्मियों के चंगुल से छूटने के बाद महिला ने GRP थाने पर दी सूचना। महिला को मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। SP रेलवे ने कहा, तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत, गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है टीमें, जल्द होंगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। जेम्स एंड ज्वेल्स और दुनिया के नायाब हीरो की बिक्री के मशहूर डी बियर्स फॉर एवर मार्क ने मिलाया हाथ। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने ब्रांड को किया लॉन्च। कहा, हर हीरे की है यूनिक आईडी, हीरा तो है ही हीरा। दो साथी वाहन चोरों सोनू उर्फ कमलेश पांडे व भोला मौर्य को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तात्विक विवेचन करते हुए कथा व्यास ने कहा, श्री राम जी का चरित्र विस्तृत है करोड़ों रामायण के बराबर। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भक्त मुझे मानता है उसे मैं भी मानता हूँ उतना ही। गोरख
गोरखपुर जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने किया शुभारंभ। चरगावा फुटबॉल क्लब ने सेंट जूड्स स्कूल को 2-0 से किया पराजित। कहा, खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता है खेल। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।